जितनी तेजी से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक समय बाद पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा। उस समय इंसान की दौड़ती भागती जिंदगी को ये इलेक्ट्रिक कार ही पटरी पर दौड़ाने का काम करेंगी। इलेक्ट्रिक कारों को प्रदूषण, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और रखरखाव की लागत की चिंता किए बिना इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी भी दी जा रही है। चार पहिए वाले इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपए और 2 पहिए वाहन पर 30,000 की सब्सिडी मंजूर की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन फ्री में किया जा रहा है, वहीं इन पर किसी तरह का रोड टैक्स देने की कोई झंझट भी नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर मोबिलिटी है और आने वाले समय में लोग इलेक्ट्रिक कारों की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने के लिए देश में लगभग 328 चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की कामयाबी उनकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके लिए सरकार को जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लगाना होगा और फास्ट चार्जिंग की सुविधा देनी होगी, साथ ही इलेक्ट्रिक संसाधनों पर भी फोकस करना होगा। भारत सरकार के बिजली मंत्रालय का सरकारी उपक्रम EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली NCR में 4,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए टेंडर किया है, जिसमें से कई चार्जिंग पॉइंट अब ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। जहां इलेक्ट्रिक कारों का 1 किलोमीटर का खर्चा लगभग 1 से 1.5 रुपए के आसपास आता है, वहीं पेट्रोल और डीजल कारों का 1 किलोमीटर का खर्चा लगभग 6 से 7 रुपए के आसपास आता है। अभी मार्केट में टाटा टिगोन ईवी, टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS EV, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक, मर्सिडीज बेंस EQC और जैगवार I-PACE जैसी कई कारें मौजूद हैं। इनके अलावा 2021 में कई बड़ी कंपनियां अपनी कारों को लॉन्च करने की योजना बना रही हैं, जो मार्केट में अपनी मौजूदगी के साथ तहलका मचा सकती हैं। वैगनआर EV, टाटा एल्टोज EV, महिंद्रा EZUV300, महिंद्रा EKUV100, रेनॉल्ट क्विड EV, मारुति सुजुकी वैगन आर EV, रेनॉल्ट जोई 300 और टाटा HBX जैसी कई कारें मार्केट में आने की उम्मीद है। ये सभी कारें 8 से 15 लाख रुपए तक की कीमत की हो सकती हैं, जो 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक का सफर एक चार्ज में तय करेंगी। इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य भारत में सुनहरा तभी दिखाई दे सकता है जब सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कारों को लेकर सही तरीके से प्लानिंग की जाए, वरना तेजी से उड़ती इस दुनिया में भारत को पैदल ही चलना पड़ेगा।